यस सर गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 5 दिन का वो जो अनुभव रहेगा, जैसा सर ने बोला था, वो अनुभव हमारे पास लाइफ टाइम होने वाला है। तो पहले भी बहुत सारे प्रश्न थे, पहले कुछ प्रश्न था कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कोई चीज़ है तो क्यों करना है। वो प्रश्न सर ने शायद क्लियर किया था पहले दिन कि कई बार ऐसा होता है कि सभ्यता को जब हमें जानना होता है ना, तो सभ्यता ऐसी चीज़ है, जीती जागती चीज़ है, हम उसे महसूस करते हैं। जैसा कि जतिन ने भी बोला था कि दो दिन तो पॉसिबल नहीं था उस सभ्यता को पूरी तरीके से जानने के लिए, लेकिन हमने कोशिश की, समझने की कोशिश की, उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की। सर ने ये भी बोला था कि इस प्रोसेस में आप ये मत समझना कि आप सिखाने जा रहे हो, आप सीखने जा रहे हो। और जी हाँ, हमने सीखा है। क्या सीखा है वो मैं आगे बताऊंगा। जो भी चीज़ें वहाँ पे देखी, जो भी चीज़ ऑब्जर्व किया, उसके वजह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो सच में अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। मुझे नहीं पता उस प्रश्न का आंसर या उत्तर क्या होगा, बट वाकई वो प्रश्न कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने फील किया होगा, जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों का भी व्यू जानना चाहता हूँ कि विलेज विजिट आखिर में जो 5 डेज का रखा गया, उसका रीजन क्या था। अगर आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोगों में से कोई भी ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आगे, जैसा कि मेरा जो मानना है कि मैं खुद इस चीज को थोड़ा सा बस 2 मिनट लूंगा, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे हमारे अपने शरीर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जी तो मनरेगा एक्ट पे आते हैं। मतलब मेरा जो पार्ट स्टार्ट होगा वो मनरेगा एक्ट से स्टार्ट होगा। मनरेगा एक्ट में हमने देखा कि ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है और हर 100 डेज का 2005 में ये एक्ट आया था, और इसके तहत 221 रुपये मिलते हैं एंड 100 दिन का रोजगार मिलता है। वहाँ पे जब लोगों से इंटरेक्ट किया ज़्यादा कि क्या प्रॉब्लम है, बाकी साथियों ने भी इसको उल्लेख किया है कि मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जब वो कस्बे से बाहर जाते तो उन्हें डबल वेजेस मिलते हैं, मतलब लाइक 400-500 वेजेस उन्हें मिल जाते हैं। तो उसके तहत यहाँ पे 221 रुपये को अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या एक महीने के लिए भी हम 221 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 6,000 के आसपास आता है। तो मेरा प्रश्न है कि ये 6,000 क्या सफिशियंट है उनके लिए। दूसरा क्वेश्चन जब पूछा कि ठीक है आपको एम्प्लॉयमेंट अगर 100 डेज का मिल रहा है तो एटलीस्ट अच्छा तो है, बेहतर तो है, एटलीस्ट पेपर में तो वो अच्छा लग रहा है, तो जवाब ये मिला कि जो वहाँ के जितने लोग वर्कर्स हैं, जितने भी फिजेंट्स हैं, वो शाम के टाइम उनकी ऐसी आदत लगी हुई है, शाम के टाइम वो ड्रिंक करते हैं और उन्हें पैसा पर डे का उसी टाइम चाहिए होता है। तो ये समस्या निकल के सामने आई। मैं 2 लाइन इस पे कहना चाहूँगा इस पूरी समस्या पे, जो कि स्वनंद किरकिरे का मैंने सुना है, कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत कुछ रिलेट करता हूँ, इसलिए मैं ये सब बोलूंगा, ये वाक्य बोलूंगा। ओरी चिड़ैया नन्नी सी चिड़िया अग्ना में फिर आ जा रे, अधियारा है घना और लघु से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके आंगन में फिर आ जा रे। ये मैं शब्द क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम गाँव वाले से मिलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा जो है वो ये लाइन बहुत अच्छे से दर्शाती है, और उनके पास बहुत सारी चीज हम कोशिश करते हुए भी वो सारी चीजें हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और आगे जब मैं इस चीज को देखता हूँ और मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि 31 लाख यूथ में से पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 20 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा, जब तक वो किरण नहीं रहेगी, तब तक वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो एजुकेशन के लिए मिंडुआ में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, जो कि पूरे जगह पे, वो ITI कॉलेज था, जो जस्ट गवर्नमेंट ITI कॉलेज है, जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये ITI में हमने विजिट किया था और वहाँ पे भी कई सारे सभी भाइयों ने प्रश्न किया हम लोगों ने। जी सर वो मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर हाँ वो मैं बता रहा हूँ, कोपा है, बिल्डर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, फिटर है। तो इन सब ये सारे ट्रेड्स हैं। और अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे लैब जो है वो है, लैब की फैसिलिटी है और वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं करते हैं, तब तक हम चीज़ों को अनुभव नहीं करते हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख के कहीं ना कहीं उनको अवसर प्राप्त होगा। एक तो जब बात किया तो ये भी पता चला कि लाइक हमने पूछा कि 2 साल कोर्स करने के बाद क्या चीज़ उनको व्यवसाय कैसे मिलता है, तो सबसे पहले ये पता चला कि जो सबसे फेमस ट्रेड है यहाँ पे एक फिटर है, और दूसरा सबसे जो फेमस है वो इलेक्ट्रीशियन है, जो सभी लोग मैक्सिमम जो टॉप जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनके अच्छे अंक आते हैं, उन्हें मिलता है।
इसके बाद लगभग उनको जो कंपनीज आसपास हैं वो ले जाती हैं और उनका इंटर्नशिप होता है जिसमें उन्हें लगभग 12,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक मिलते हैं एक दो साल तक। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें इनको व्यवसाय तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अगर वो चाहें नौकरी तो मिल रहा है, साथ साथ में अगर वो चाहें तो खुद का व्यवसाय भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही चीज जो है वो किरणों के तिनके हैं कि कहीं ना कहीं व्यवसाय जब बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा में बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधार होगा। सॉरी सर, कोपा क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका लैब भी अगर मैं दिखाऊं। तो बाकी सब ऑलरेडी हमारे दोस्तों ने कवर कर दिया है कि बाकी सारे स्कीम्स के बारे में संदीप भाई ने बहुत अच्छे से बताया। स्कीम्स तो है, पेपर पे है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं हमें और जागरूक होना पड़ेगा। लास्ट में मैं ये सब बोलूंगा क्योंकि शुभम भाई ने भी अभी ये प्रश्न किया था, मतलब सभी के मन में होगा कि हमने हम 2 दिन के लिए विजिट किए, हम 5 दिन के लिए विजिट किए, जितना भी विजिट किए उससे फर्क क्या डाला। जब गांव में हम गए तो एक वृद्ध पर्सन आए और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत ये पता चला कि उनके बच्चे का देहांत हो गया था और वो काफी परेशान थे उस चीज के रिलेटेड। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आया कि पेपर में उन्होंने नाम दे दिया था बट वो पेपर प्रोसेस नहीं हो पाया और बच्चे का देहांत हो गया। 2 लाख रुपए उसे मिलना था बट नहीं मिल पाया। तो ये सुन के बहुत दुख हुआ, मैंने बात भी की कि क्या इसको कुछ किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। पेपर में डिले जो हुआ है वो कहीं ना कहीं बैंक की वजह से, या जो आप कई बार उनको अवेयरनेस नहीं होता कि कैसे कोई चीज आगे बढ़े, कैसे कोई चीज और जल्दी से वो चीज हो, तो उसके बारे में मैंने बात किया बट वो नहीं था। लास्ट में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा बस ये कहते हुए कि जो मेरा अनुभव है कि हम इस 2-5 दिन में क्या चेंज कर पाएंगे। मुझे लगता है जब भी हम नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे, जब भी हमारे पास कोई पेपर आएगा, आज हम सिग्नेचर कर रहे हैं, आज हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, कल हम अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, शायद कभी कुछ भी ऐसा आएगा हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, कुछ देर के लिए रुक के सोचेंगे, सोच के कुछ निर्णय लेने के लिए कुछ पल के लिए भी ठहरेंगे, तो वो ठहरना ही मुझे लगता है इस 5 दिवसीय जो कार्यक्रम हमने किया वो जस्टिफाई हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल। और मैं अभी सबको बोलूंगा कि एक ताली बनती है मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए। आप लोगों ने 5 दिन में जिस तरह से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह से आप लोगों ने हर घर जाके पार्टिसिपेट करके डेटा कलेक्ट किया है, उसके लिए वाकई सराहनीय है और सभी के लिए एक ताली तो बनती है। थैंक यू।